झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी साहेबगंज के इसी समाहरणालय पर पहुंचे थे, जहां पर वो बरहेट विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किए और फिर यहां से वो बाहर निकलकर कुछ मीडियाकर्मी से बात किए, जहां पर पूरी मीडिया टीम खड़ी थी और वो कह रहे थे कि अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने आए थे। जो भी उसके फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उसके साथ उन्होंने बाजाबता बरहेट विधानसभा के लिए जो नॉमिनेशन है वो आज फाइल कर दिए और नॉमिनेशन करने के बाद वो आगे के कार्यक्रम के लिए निकले हैं। उनके कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली हुई क्योंकि जो आज मौसम ख़राब था जिसके वजह से उसकी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाई, जिसके बाद जो आगे राजमहल का प्रोग्राम था, उनको साहिबगंज से जैसे राजमहल जाना था तो वो वाला प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे बोरियो की ओर। बोरियो उनका स्टॉपेज है वहाँ पर, जैसा अभी तक जानकारी है कि बोरियो रुकेंगे, फिर उसके बाद वो आगे रांची के लिए निकलेंगे। तो मीडिया से क्या बात किए हैं मुख्यमंत्री, आइए हम आपको वो सुनवाते हैं। पर्चा भरने की जो प्रक्रिया है वो हमने आज अपना पूरा किया है। अब बरहेट विधानसभा ये पूरे या पूरे राज्य के विधानसभा में अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं, दो चरणों में इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं और उसके तहत सभी प्रत्याशी भर रहे हैं। आज हमने फिर से अपना पर्चा भरा है और ये तो चुनावी प्रक्रिया है, ये तो पूरा करना ही है। दादा, असम के सीएम भी यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो कहते हैं झारखंड के हिंदुओं को एक होना होगा और वो कहते हैं बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएंगे, इस तरह के कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जी अभी प्रवासी मुख्यमंत्री यहाँ आए अभी लोगों को अब यार थोड़ा सा इसको नीचे रखो, लोगों की वजह से मेरा गला आ जा रहा है, हमको बोलने भी आ जा रहे हैं, हम तो ऐसा बोलना पड़ता है। दादा, यहाँ का आदमी लोग प्लान हो रहा बाहर, देखिए मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के पूरे देश के जितने भी इनके ताकतवर कथाकथित उनके पार्टी में सभी लोग यहाँ हैं और ये कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, वो अपने कामों में लगे हैं और हम अपने कामों में लगे हैं। दादा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन दाना साइक्लोन से भी ज्यादा खतरनाक है झारखंड में। अरे यार, इनके इतने हजारों यहाँ नेता आके गिरे पड़े हैं,